सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी थाना क्षेत्र के मकान में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। जिस तरह घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया, वहीं घटना के बाद आला अधिकारी लगातार घटना स्थल पर जायजा लेने भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। नहीं, हमें तो पता लगा, रास्ते से निकल रहे थे मोटरसाइकिल लेके दो आदमी, पता लगा हम आए तो आते इसमें मेहनत करने लगे। निकाला इसमें मेहनत करने के बाद एक बच्चा निकाला, जो 4 लेडीज निकाली। आपने निकाली थी? हाँ, सभी लोगों को लगे। क्या स्थिति थी उनकी? उनकी स्थिति, बच्चा तो एक 2 से 2.5 साल का बच्चा, वो मेरा आदमी खत्म हो गया था। एम्बुलेंस में ले जाके डाला मैंने, एक को ऑटो में लेडीज को ले गया, वो लेडीज भी खत्म हो गई थी मेरे आदमी। अच्छा, कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने लोग की मौत हुई? 4 निकले, 4, 3 की मौत तो हाथ में ही थी। यहाँ पर ये हुआ सर, जिस टाइम मैं निकला हूँ अपने घर में से, तो एकदम बहुत तगड़ी आवाज़ हुई जी। और यहाँ धूल मिट्टी इतनी थी कि कुछ दिख नहीं दिया। एक बच्चा 10-12 साल का सामने सोफे पे बैठा हुआ था, आगे तो वो तो सेफ था, नीचे से आवाज आ रही थी हमें निकालो, बस इतनी आवाज़ सुनी। इतने में पब्लिक आ गई, सबने निकालना शुरू कर दिया। कि परिवार के लोग कितने थे अंदर? परिवार के ऐसे लगा लो, एक तो मुनीर खां की बीवी जी, एक लड़के की बीवी, एक उनकी लड़की जवान है जी, आगे में, और 2 बच्चे हैं उस पे, लड़की पे, वो लड़के की बहू पे। ये 5-6 जने थे इसके अंदर, ये सामने किराएदार हैं। अच्छा, ये भी वहीं रहते हैं, खाना पीना इनका सब वहीं बनता था। अब ये मुझे नहीं पता कि अंदर 5 या 6 जने तो इनके घर के, बाकी ये हो सकते हैं। पीछे हो जाओ, आपके पीछे हो जाओ ना। उसके अनुसार घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी थी, और सिलेंडर फटने के कारण जो है मकान गिरने की जो प्रथम दृष्टया जो बात ज्ञात हो रही है, इसमें जो है 4 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और 2 लोग घायल हैं। एक का इलाज GTB हॉस्पिटल डलई और एक का राजेंद्र नगर में चल रहा है। घटना के समय 2 बच्चे जो घर से बाहर थे वो सकुशल हैं। ये ब्लास्ट हुआ है, सभी जो भी हमारे पास एविडेंस है, जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, वो हम लोग कलेक्ट करती है, और हम लोग हर घटना के सभी संभव आयामों के आधार पर अपनी तफ्तीश करते हैं। प्रथम दृष्टया एकदम स्पष्ट है कि ये सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाने के कारण घटना। खबर अमेठी से है, जहां सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की अच्छी सेहत और जल्द स्वस्थ होने को लेकर मुस्लिम समुदाय के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने खुदा से दुआ मांगी और नेताजी के लिए लंबी उम्र और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जिसके बाद सचिव ने कहा कि हम सभी इलाके के ओलमा हजरात के साथ उनकी अच्छी सेहत और जल्द स्वस्थ होने की दुआएं की हैं, तथा उनके आशीर्वाद के साथ दिल्ली भी जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी ने उपचुनाव जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। दरअसल गोला विधानसभा के विधायक अरविंद गिरी की मौत के बाद निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव कराने की तिथियों की घोषणा कर दी है। तिथि की घोषणा होते ही सभी पार्टियों ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इसी क्रम में BJP प्रत्याशी स्वर्गीय अरविंद गिरी के बेटे ने अपने उपचुनाव जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि गोला विधानसभा में 3 नवम्बर को मतदान है और 6 नवम्बर को गणना होगी। फरीदाबाद में दशहरे की सुबह एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक पति ने पत्नी की चुन्नी से गला घोटकर हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिले के सिविल अस्पताल भेज दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ऐसा हुआ है ना कि हम सुबह उठे पानी भरने के लिए, 7:30 बजे अब पानी आता है नहीं, तो पानी भरने के उठा तो बच्चे खूब रो रहा था, बाहर से कुंडी बंद था, अब बाहर से कुंडी बंद था, बच्चा रो रहा था और उसकी मम्मी का आवाज़ भी लगाए तो आवाज़ नहीं आ रहा था, तो इनसे बोला गया कि दरवाज़ा खोल दो, ये बगल में ही रहते हैं, ये दरवाज़ा खोल दिए। दरवाज़ा खोलने के बाद देखे तो वो जीभ निकला पड़ा है और बच्चा रो रहा शरीर पर लेट के। ओहो, हाँ। कितना बड़ा बच्चा है? 4 साल का।
और कैसे मतलब मौत हुई थी महिला की, क्या देखा था आप लोगों ने? अब हम तो देखे, अभी अभी तो ऐसे ही है, चुन्नी गले में ये बना हुआ। मैं अपना बर्तन धो रहा था जी, गेट पर बैठ के अपना, पड़ोस में मकान है वो, तो एक औरत थी उस समय मेरा बगल, एक मिनट, मेरा बगल में एक औरत थी, तो बोली कि अंकल जी थोड़ा कुंडी खींच दी, बच्चा क्यों रो रहा है, उसका मम्मी से लेटरिंग वेटरिंग गया क्या इसीलिए रो रहा है। तो मैं सोचा बैठा बैठा ऐसे कुंडी खींच दिया, फिर अपना बर्तन साफ करने लगा। फिर अंदर क्या देखा आप लोगों ने? हम अंदर अब उस समय हम गए नहीं। अच्छा, तब जब तक सारे आदमी देखा तब भी मैं तब खड़ा होकर मैं तब देखा आप लोगों ने। ये कहाँ थी? ये नीचे फर्श पे थी, फर्श पे लेटी थी। मुझे सर से सूचना मिली थी, ये किराएदार है, बाहर से रहते हैं भाई, एक लेडीज मृत अवस्था में पड़ी है, जो मौके पे हमने जाके देखा तो ये फर्श पे लोटी हुई थी और गले में चुन्नी लगा रही थी जी। आस पास के पता क्या है इसका? बाहर से जो कमरा था उसका कुंडी लगी हुई थी, जो भी तो हालत सस्पेक्टेड है और जांच अधिकारी अपनी तफ्तीश कर रहे हैं। पति मौके पे नहीं मिला? पति मौके इस पे नहीं मिला, वो मौके से गया हुआ है। दो साल के। खबर बलिया से है, जहां एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने भी मंच को साझा किया। बता दें, सभा के दौरान जब और इस दौरान बृजेश पाठक ने सवाल किया तो उन्होंने कहा ओम प्रकाश राजभर परमानेंट और स्थायी मित्र हैं। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि पहले हम अपना ताकत पैदा करने निकले हैं और ना उनके पास कोई नीति है ना एजेंडा है। जब वो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उस समय उनकी स्थिति क्या आप जानते हैं? उनको ना प्रदेश अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं, और कई बार उन्होंने सत्ता को एक कठपुतली की तरह उपयोग किया, लोकतंत्र का मजाक बनाया है। लोकतंत्र कहता है कि जन सामान्य की पार्टी हो, आपको पार्टी एक परिवार में गिरवी करके आपने रख दिया है और जनता ने पास से देखा है, इनको कभी भी अवसर नहीं मिलेगा। जनता इन्हें बुरी तरह नकार चुकी है और बुरा हर्ष होने वाला है। हैं तो याद नहीं आता है, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो याद आता है। इस बात को अगर ओम प्रकाश राजभर याद दिला रहा है कि अगर तेरे बीच में कोई भी नेता आवे तो उसे सवाल करो कि जब सब सत्ता में हो, सत्ता में नहीं रहते हो तो आप इस बात को कहते हो, सत्ता जब आप पा जाते हो तो फिर हम लोग मिल जाते हो। आज उठा के देखिए, एक बलिया की अगर हम बात करें, नाई गोड़ पाल प्रजापति कुमार बिंदी केवट मल्ला राजभर चौहान आरक अर्धवंशी बंजारा बहेलिया खंगार ऐसी थाने में दरोगा नहीं है। एक तरफ आज पूरा देश दशहरा के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने में लगा है, तो वहीं औरैया जिले के आगामी त्योहार व बीते दिनों हुई एक के बाद एक घटनाओं को देखते हुए एसपी चारू निगम ने जनपद में धारा 144 लगा दी थी। लेकिन इस आदेश के बाद जनपद में दशहरा के पर्व पर क्षत्रिय महासभा के आयोजन के साथ साथ करणी सेना ने सैकड़ों की तादाद में बाइक कार के साथ सदर बाजार में बैंड बाजों को लेकर भारी जुलूस निकाला, तो वहीं इस जुलूस को निकालने को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ता ने बताया कि हर साल दशहरा के दिन हम शक्ति समाज के लोग राम ध्वजा यात्रा निकालते हैं, आज हम लोगों ने क्षत्रिय समाज के लोगों ने ये यात्रा निकाली है और बाहर समाज के लोगों ने हम सब का सम्मान स्वागत किया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में जनपद में त्योहारों के दृष्टिगत धारा 144 लागू है और कोई भी भीड़ और जन जमाव जिसकी पूर्व से अनुमति नहीं ली गई है शासन से, प्रशासन से, उसे नियम विरुद्ध माना जाएगा। अतः मैं एसपी औरैया चारू निगम आप सभी से अपील करती हूँ कि किसी भी विधि विरुद्ध जन जमाव में प्रतिभाग न करें। कोई भी जो भी इस प्रकार की अपील करेगा और अफवाह फैलाते हुए लोगों को एकत्रित करने का प्रयास करेगा और किसी भी गैर कानूनी विधि विरुद्ध जन जमाव में प्रतिभाग करेगा उसके विरुद्ध कठोर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित किए जा चुके पंचायत सचिव विवेक सिन्हा ने भ्रष्ट कारनामों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। दरअसल सिघासन ब्लॉक के ग्राम पंचायत मदनापुर के ग्रामीणों व ग्राम प्रधान ने पंचायत सचिव व ग्राम रोजगार सेवक पर बगैर काम कराए फर्जी तरीके से लाखों रुपए निकालने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से शिकायत की है। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग से उच्च अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामला यह है कि हमारी जो पत्नी है वो प्रधान है और जो विवेक सिन्हा सेक्रेटरी वो पढ़ी नहीं है और इसने जो है पैसा निकाल लिया है खाता से, लाखों का घोटाला है लगभग, अब तो हमारे हिसाब से तो 3.5 लाख रुपए का हुआ था। खबर कासगंज से है, जहां सहावर थाना क्षेत्र की जनता से अनुरोध किया और कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली व पिकअप में पीछे बैठकर सफर ना करें और साथ ही कहा अपने जीवन की रक्षा के लिए आम जनता को सजग होना पड़ेगा और ट्रैक्टर मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे लोग नहीं सुधरेंगे तो पुलिस कड़ी कार्रवाई के लिए बाध्य होगी। खबर संभल से है, जहां रामलीला मंच पर अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और रामलीला मंच पर राम जी के किरदार में बैठे कलाकार जमकर अश्लीलता परोस रहे हैं। बता दें, पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बहजोई में पुराना बाजार रामलीला मंच का बताया जा रहा है। पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद की लगभग 50 वर्ष पुरानी प्रसिद्ध सुल्लामल रामलीला में कोरोना काल के बाद लगभग 2 साल बाद दोबारा से रामलीला मंचन मेले का आयोजन किया गया। वहीं बारिश के चलते सुल्लामल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष वीरू बाबा ने कहा कि अगर आज वर्षा होती तो बेशक रावण को न जलाया जाए, लेकिन वर्षा से गला कर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई जाएगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि गाजियाबाद की सुल्लामल रामलीला में रावण का खात्मा किस तरीके से किया जाता है। वो तो चूंकि आप भी जानते हैं कि कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों वागों पर असर पड़ा है और जो स्थिति थी, कोई भी कारोबार हो, कोई भी चीज़ हो, एक बार जब डाउन हो जाती है तो उसे उठने में समय लगता है, इसलिए धीरे धीरे व्यापार भी उठता है और मेले में भी ऐसा नहीं है कि बिक्री ना हो, लोग बाग 4-5 मतलब 7-8 रोज से तो अच्छी बिक्री चालू। पहले के मुकाबले बहुत हल्का कारोबार है, पब्लिक है, बहुत भीड़ है, पर इस तरीके से वो नहीं है जो ग्राहक आना चाहिए। 2 साल पहले क्या कारोबार हो जाया करता था, कितना इसका ब्रांड है, इस बार क्या महंगा मिला है, इस बार ठेका? इस बार बहुत बहुत ठेका महंगा मिला है, जो पहले के मुकाबले दुगना, मैं कह रहा हूँ डबल में। खबर बुलंदशहर से है, जहां सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव नयाबास में पीर को क्षतिग्रस्त करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। आपको बता दें, ये पूरा मामला सियाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नयाबास का है, जहां बीते सोमवार को रात गांव में स्थित एक पीर को किसी असामाजिक तत्वों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद SDM प्रशासन व SP सिटी ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कल दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को डायल 100 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि ग्राम नयाबास थाना सियाना में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक पीर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं ही इसकी पुनः मरम्मत कर दी गई। इस संबंध में थाना सियाना पर एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आज उन्हें रिमांड हेतु मान्य न्यायालय में भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। औरैया जनपद के नगर क्षेत्र में विजयदशमी पर बुराई के प्रतीक रावण का 45 फुट लंबा पुतला फूंका गया। नुमाइश मैदान में समिति ने राम लक्ष्मण को तिलक लगाकर स्वागत किया। बाद में प्रतीकात्मक रावण पुतले का आग लगा दी गई। वहीं रावण दहन को देखने के लिए नगर की ही नहीं, आसपास इलाके के कई लोग देखने आए। इस दौरान मौके पर पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में मौजूद रही। यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा मौसम की वजह से
जैसी बारिश शुरू हुई तो हम लोगों ने ये सोचा, कमेटी ने निर्णय लिया कि अभी तत्काल दहन करवाना चाहिए, और वैसे भी तो टाइम हो चुका था। और रावण की लंबाई की बात करो तो पिछली साल की अपेक्षा इस साल दो फुट तीन फुट बड़ा है, मतलब 45 फुट लंबाई है। विजयादशमी का महापर्व है, तो पहले तो हम सभी लोगों को विजयादशमी की मंगल कामनाएँ देंगे सभी भक्तों को। और आज एक निशाचर का वध किया गया, एक अत्याचारी का वध किया गया, सभी निशाचर आज मारे गए। रावण प्रमुख निशाचरों में था, अत्याचार का समापन राम जी के द्वारा किया गया, और अत्याचार का समापन हुआ, धर्म को बढ़ावा मिलेगा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां खिरनी बाग से निकाली गई भव्य दुर्गा शोभा यात्रा में भगवान स्वरूप सजी झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। आपको बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर में खिरनी बाग स्थित श्री राम चरण लाल धर्मशाला व कालीबाड़ी मंदिर में नवरात्रों में दुर्गा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान बंगाली समाज के लोगों ने धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया। ये हर वर्ष विजयादशमी का पर्व हम लोग बड़े श्रद्धा और भाव से धूमधाम के साथ मनाते हैं। इसी में माँ शेरावाली की पूजा नौ दिन की जाती है रामचंद्र लाल धर्मशाला खिरनी बाग में। 9 दिन की पूजा के उपरांत विजयादशमी के दिन हम लोग बहुत भव्य जुलूस निकालते हैं माता का, पूरे शहर में जुलूस घुमाया जाता है। उसके उपरांत हम लोग रात्रि करीब 9 से 10 के बीच में खन्नौर नदी पर विधि विधान से पूजन अर्चन करके इन माता जी का विसर्जन करते हैं। ये पूजा लगभग 83 साल से हो रही है, और ये अंग्रेज़ों से टाइम से पहले से है। बहुत पहले इश्यूज़ हुआ करते थे, लेकिन आने वाले टाइम में हर चीज़ें बदलती चली गई। मंगोली समुदाय बेसिकली ये करता है, और बंगाल से ही मूर्तिकार आते हैं। ऑल जितने भी शाहजहांपुर में मंदिर हैं या दुर्गा पूजा होती है, ये यहीं की मूर्ति बंगालीज बनवाते हैं और सबको देते हैं। खबर मऊ से है, जहां जिले में रावण के पुतले दहन को लेकर पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले में पहली बार 30 फीट लंबा रावण बनाया गया है। बता दें, 100 सालों से चल रही रामलीला और रावण दहन कार्यक्रम पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस के कारण कार्यक्रम बंद थे, तो इस बार से शुरू हुए और लोगों में काफी उत्साह का पुतला दहन के तौर पर तैयारी की गई। खबर सुल्तानपुर से है, जहां रावण के पुतला दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि जिले में 27 फीट ऊंचे रावण का पुतला बनाया गया है। इस दौरान लोगों में खुशी व उमंग की लहर दिखाई दी। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान भी तैनात हैं। बता दें कि शाम 5 बजे श्री राम लीला ट्रस्ट समिति के संयोजक ने आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक व पूजा समितियों के पदाधिकारी शिरकत करेंगे। व्यवस्थाएँ पूर्ण हैं, शासन प्रशासन के द्वारा भी जो वादे किए गए थे लगभग पूर्ण है। कुछ इंद्रदेव की कृपा हम लोगों के ऊपर रही, माता जी की कृपा है, सारी व्यवस्थाएँ लगभग पूर्ण है। और आज से दुर्गा पूजा समारोह अपने चरणोत्कर्ष से प्रारंभ हो रहा है। गाजियाबाद के लोनी मंडोला बिहार आवासीय योजना के विरोध में पिछले 6 वर्षों से मंडोला सहित 6 गांवों के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दशहरा के दिन मंडला बिहार किसान आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन स्थल पर पुतले बनाए और उन पुतलों पर भाजपा नेताओं के फोटो लगाकर दहन करने की बात कही। पुतलों पर गाजियाबाद सांसद वीके सिंह, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, भाजपा नेता बसंत त्यागी के फोटो लगाए गए हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इन पुतलों को फूंकने देगा या फिर किसानों को समझा बुझा कर इन पुतलों को फूंकने से रोकेगा। जो इनकी 6 साल से हम जो नीति या एक सोच देख रहे हैं, वो किसान विरोधी है। जबकि हमारे मोदी जी, योगी जी इन्हों कह रहे हैं कि हम किसानों की दुगनी कर देंगे, इनके हकों की रक्षा करेंगे, तो फिर मैसेज क्यों नहीं जा पा रहा। तो हमें बहुत भारी रोष है कि इन लोगों ने हमें धरने पर बैठा के जो धोखा दिया है और जो हमारे साथ अन्याय करा है, उसके विरोध में आज हम इनके पुतले फूकेंगे। हम भी 6 साल से
ये इंतजार कर रहे कि कद इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। दशहरे का नहीं है और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। यही तीन लोग हैं जो 2016 में हम लोगों को यहाँ धरने पे बैठा के गए थे कि जो आपकी जमीन का अधिग्रहण हुआ है ये सब गलत है और सब अनैतिक तरीके से आपका अधिग्रहण हुआ है, आपकी जमीन छीनी गई है और हम आपका समाधान कराएंगे, जब प्रदेश में दूसरे लोगों की सरकार थी। और अब लगातार हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो एक हमें एक पर्चा सा मिल जाता है कि आपकी वार्ता करा रहे हैं, आपकी मीटिंग करा रहे हैं। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं ये हमारे हितैषी नहीं हैं, और अगर हमारे हितैषी हैं। उतला जो है किसान रोष प्रकट कर रहे हैं कि 6 साल हो गए धरने में बैठे हुए और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को तो मत कहो, राज्य सरकार हमारा हल करना चाहती है तो ये बीच में आके अड़ जाते हैं और उन्हें गुमराह करें, जबकि सारी देन इन्हीं लोगों की है जो इन्होंने कह के कि आप बैठिए, आवास विकास गलत है, इसके काम रोकिए, हम भी आपकी मदद करेंगे, यदि अब अगले सरकार ने ना सुनी तो हमारी सरकार आने पर आपका समाधान करेंगे। लेकिन लोगों ने हमारी एक न सुनी, हमने ने वोट भी दिया, जिता भी दिए, दूसरी भी सरकार इनकी आ गई, फिर भी ये एंटी हैं। पूरी दिल्ली के 0 पॉइंट पर जमीन, इन प्रतिनिधियों के कारण हमारी जमीन भी लुट गई है, जो भी जा रही है। यही प्रतिनिधि आए हमें बैठा के गए 2016 में, ये कह गए कि तुम्हारा हक दिवाएंगे, सपा की सरकार थी। अच्छा, यही प्रतिनिधियों ने हम 10-20 साल को क्षेत्र पीछे कर दिया, हम लोगों ने वोट दिए इन लोगों को। अच्छा, हम तो ये इन प्रतिनिधियों को जब माने, हमारे 10 तारीख का लेटर आ रहा है अपने, जब मानेंगे, जब हमारी साथ बैठ के मीटिंग में हमारा समाधान कराने की कोशिश करेंगे, समाधान ही कराएंगे। अगर समाधान नहीं कराया 10 तारीख के बाद, बसंत का भी और वीके सिंह का भी और ये विधायक का भी, नंद किशोर विधायक का भी, तीनों का पुतला फूकेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां जनपद के सरेनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रालपुर और गंगा घाट पर पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में माता रानी की प्रतिमाओं का रिमझिम बारिश के बीच शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन किया गया, जिसमें गंगा घाट में 4 बजे तक 16 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। वहीं गंगा घाट में मौके पर लगभग 110 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। विसर्जन करने के लिए, चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि नदी में कोई भी मूर्ति विसर्जित नहीं होगी, इसके लिए हमारे पास जेसीबी द्वारा जो है बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए गए हैं, उसमें सब व्यवस्था करा दी गई है। लोग आते हैं नहाने के लिए, उनके लिए नदी में एक क्षेत्र बना दिया गया है ताकि वहाँ पर नहाएं, क्योंकि पानी गहरा है। इसके लिए चेतावनी बोर्ड आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लगा हुआ है, सबको यह सचेत किया गया है कि कोई भी आदमी गहरे पानी में न जाए, अधिक से हो सके तो ना नहाए, केवल जल छिड़क ले और जल छिड़कर चला जाए। कोई नहाता है तो उसके लिए बैरिकेडिंग करके सब तैयारी कर दी गई है, जाल भी लगा दिया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित मोरिंगो QRG हॉस्पिटल में बुधवार को सीवर टैंक की सफाई करते समय 4 सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर और मृतकों में से एक के भाई ने अस्पताल पर जबरन टैंक की सफाई करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि कर्मचारियों का काम टैंक की सफाई करने का नहीं था, लेकिन जबरन उनसे इसकी सफाई कराई गई, जबकि अस्पताल में कोई भी सुरक्षा के उपकरण नहीं थे, इसके चलते टैंक के अंदर उतरे 4 सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई। वह चाहते हैं कि अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मृतकों को न्याय मिले। हमारे लड़के सर QRG हॉस्पिटल में काम करने के लिए आए थे, उनको बुलाया गया था आज कि आज काम करना है, आज लड़के भेज दो। मैंने सर 4 लड़के भेजे काम के लिए, जो हमारा काम था, जिस काम पर्पज के लिए आए थे लड़के, वो तो काम कराने सर उनसे सर दूसरा काम करा है जिसमें सर हमारा कोई उनमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। क्या काम दिया हुआ है? हमारा काम सर बाहर का काम है, छोटे मोटे ड्रेन लाइन हो गया, छोटे जैसे चैम्बर हो गए, जो बाहर से बैठ के काम करते हैं, अंदर घुसने कोई काम नहीं हमारा। कौन सा हॉस्पिटल है ये? सर QRG हॉस्पिटल है फरीदाबाद में सर। तो सर हमें कुछ पता ही नहीं, जो हमारा काम नहीं है वो हमारे से काम करवाया गया है, जो हमारा काम था वो हमसे काम नहीं करवाया गया। वैसे 3 लड़के जाते साइड पर, आज उन्होंने 4 लड़कों की बोली, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करवाना होगा। किसने बुलाया? हॉस्पिटल वालों ने, शाहिद नाम है। कौन सा हॉस्पिटल? QRG हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 16। क्या कहते बुलाया था? बस कुछ नहीं बोला काम के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस उन्होंने यूँ बोला कि 4 लड़के भेज दो। आप कह रहे हो कि काम नहीं है आपका, कौन सा काम आप करते हैं? हम सीवर पिट क्लीन का काम करते हैं,
सीवर मैनहोल क्लीनिंग का करते हैं, पर हम टैंक सफाई का काम नहीं करते। ये क्यूआरजी हॉस्पिटल में चार लड़के आए थे, दो रवि और विशाल और रोहित, जो अपना संतुष्ट एलाइट सर्विस है दिल्ली में, ये क्यूआरजी वाले इसको हायर किया हुआ है। यहाँ की तरफ से चार लड़के सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए आए थे, जैसे वो उसके अंदर गए तो उस टाइम उनकी डेथ हो गई। तक ही बात समझ, ये लोग मदनगिरी के पास के रहने वाले हैं और प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह इनके पास फिलहाल नहीं थे, जिसे गैस वगैरह के कारण से ये इनकी डेथ हुई। बिजनौर में आज दशहरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और शहर में एक साथ कई जगह रावण कुंभकर्ण के पुतले धू धू कर जले। पुतला दहन में पहले राम रावण युद्ध ने हर किसी को रोमांचित कर दिया। श्री राम की सेना रावण की सेना को जैसे जैसे परास्त करती गई, वैसे वैसे रोमांच बढ़ता चला गया। बता दें, मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और सदर विधायक व उनके पति ने अग्निबाण छोड़कर रावण के पुतले का दहन किया। इस मौके पर पुतले दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के जय घोष से पूरा मैदान गूंज उठा। वहीं दशहरा पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। खबर कासगंज से है, जहां हर नारायण इंटर कॉलेज के मैदान पर प्रभु श्री राम व लंकापति रावण में घमासान युद्ध हुआ। अंत में प्रभु श्री राम द्वारा रावण के वध करने पर पूरा मैदान श्री राम के जयकारों से गूंज गया। इस दौरान लोगों में दशहरा पर्व को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला और अखंड प्रताप सिंह ने दशहरा मेले का विधिवत फीता काट कर उद्घाटन किया। फरीदाबाद में बरसात ने पर्व को फीका कर दिया। रावण के पुतले के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भींग कर खराब हो गया, जिसके बाद फरीदाबाद में वर्षों से दशहरे का मेला है और इस दिन भगवान राम ने पूरे 14 वर्ष का वनवास पूरा किया था और अच्छाई बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। और इस दिन बहुत सभी लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे मेले का आनंद लेने आते हैं, और लेकिन बारिश की वजह से ये सारा माहौल जो है बहुत हद तक खराब हुआ पड़ा है बेसिकली। हाँ, इतने टाइम से तो आई नहीं आज तक कभी बारिश, तो इंजॉय नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। गीला गीला हो गया है सब, मौसम बेकार सा हो गया है। क्या कहेंगे कि आज तो बुराई पर अच्छाई की जीत है, ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हाँ जी, हाँ जी, पर इस तरह से रावण भी टेढ़े हुए पड़े हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? हाँ, टेढ़े हो गए हैं तो क्या मजा आएगा दशहरे का। रावण तो जब जलाओ उनको, सीधे खड़े होंगे तभी तो मजा आता है उनको देखने का। कानून व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं, कमी रहने दी जाएगी कानून व्यवस्था में। किस तरह से पुलिस की नज़र बनाए रखेगी, क्योंकि महिला में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, काफ़ी माहौल? महिला पुलिस भी लगा रखी है चारों तरफ ने, कोई ऐसी कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की भी। तो क्या गुप्त सूत्रों के आधार पर भी पुलिस की तरफ से नज़र बनाई? क्राइम टीम लगाई हुई है चारों तरफ ने। कौन सा मैदान है? दशहरा मैदान है, ये NIT क्षेत्र में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।